खबर की ओर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने नई मुख्यमंत्री अतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा है। इधर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अपनी सरकारी आवास को छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि हमने सुरक्षा को लेकर उनसे कहा कि सरकारी आवास न छोड़ें, लेकिन वे नहीं माने। एक दिन पहले 17 सितंबर को आप विधायक दल की मीटिंग में आतिशी को मुख्यमंत्री चुना गया था। इसके बाद केजरीवाल ने शाम को विनय सक्सेना को अपना इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल पर कई बार हमले हुए, हमें चिंता है, संजय सिंह ने ऐसा कहा और बताया कि अपनी सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने जा रहे हैं। हम लोगों को चिंता है, केजरीवाल पर कई बार हमले हो चुके हैं। जब उनके माता पिता घर में थे तब भी उन पर हमला हुआ है।